हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स मेंशन कर रखे हैं। फर्स्टली आपको क्लियर कर दें कि व्हाट इज़ एक्चुअली इकाइनोडर्मेट्स। तो इकाइनोडर्म्स आर मेराइन इनवर्टिब्रेट्स, ओके, जिनमें वर्टिब्री एब्सेंट होती है। दीज आर इनवर्टिब्रेट्स। ओके, सबसे पहले हम बताएँ कि जो इकाइनोडर्मेटा टर्म है, इकाइनो डर्मेटा टर्म जो किसने दिया था, वॉज गिवन बाय जैकब क्लेन। जैकब क्लेन उन्होंने कब दिया था, इन 1738। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर कैरेक्टर्स 38। बस बस नहीं, अब जो इकाइनोडर्मेटा नाम है, जो ये नेम है, तो ये किस वर्ड, कौन सी लैंग्वेज से निकाला, ग्रीक वर्ड से लिया गया। ये ग्रीक वर्ड है, इकाइनोडर्मेटा इज अ ग्रीक वर्ड। तो इकाइनोज का मीन्स क्या होता है, फर्स्टली इकाइनोज, इसको हम तोड़ तोड़ के, एक इकाइनोज, फिर डर्म, फिर एट, ठीक। इकाइनोज का मीन होता है हेजहॉग। हेजहॉग मीन्स स्पाइनी, स्पाइनी। और डर्म का मीन हमें पता है, स्किन होता है, ओके। एंड द लास्ट इज एट। एट, एटा का मतलब होता है करेक्टर्स, ठीक। तो हेजहॉग मतलब जिसकी स्किन पर स्पाइनी करेक्टर्स प्रेजेंट हैं, स्पाइनी लोकेशंस हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, इकाइनोडर्मेटा, ओके। और ये जो है, ये जो इकाइनोडर्मेटा है, वो लगभग, इसकी लगभग 6000 लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है, लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट, ओके। और ऑलमोस्ट 20,000 एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जिनके बारे में हमें पता तो है, वो अब, बट अब लिविंग नहीं है, एक्सटिंक्ट, ओके, स्पीसीज हैं इसकी, ओके। और इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, मेराइन एनिमल। अब हम आ जाते हैं हमारे करेक्टर्स पर, हम वन बाई वन करेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएंगे। इकाइनोडर्मेटा हमने ये पढ़ लिया, जनरल करेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। और ये टर्म, जो टर्म इकाइनोडर्मेटा, वॉज गिवन बाई जैकब क्लेन इन 1738, ओके। इन हमारा फर्स्ट करेक्टर, ऑल मेंबर्स आर मेराइन। मेराइन मतलब समुद्र में, ऑल सबको पता है कि मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ओके। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस का मींस क्या होता है, कि जो इनकी बॉडी, बॉडी का ओरिजन होता है, इनकी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीन है, इनकी बॉडी का ओरिजन जो होता है वो थ्री लेयर से होता है, एक एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके। तो इनकी बॉडी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। लार्वा इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर हम लार्वा की, हम जो लार्वा इसका जो होता है, उसको किसी भी एंगल से काटे तो हम टू हाफ में, टू इक्वल हाफ में से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल सीलोम इज एंटीरोसीलिक। सीलोम इज एंटीरोसीलिक मतलब जो सीलोम होता है वो कंप्लीट बॉडी में, बॉडी कैविटी में फ्लो करता है। नेक्स्ट है हमारा नो डिस्टिंक्ट हार्ट प्रेजेंट, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है, और बहुत सारी वेन और कैपिलरी वेन्स मिलकर एक सीलोमिक सिस्टम बना लेती हैं। यहाँ पर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हम कहें, वो नहीं, एक तरीके से नहीं कहेंगे, मतलब सीलोमिक हार्ट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसमें सीलोम जो ब्लड का ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो वेन्स के द्वारा होता है, हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय ट्यूब फीट। हम सबको पता है कि स्टारफिश में ऐसे ऐसे ट्यूब फीट्स होते हैं, तो लोकोमोशन इसमें ट्यूब फीट्स के द्वारा होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्यों करैक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि इसमें
रिस्पायरेशन, लोकोमोशन ऑल इज थ्रू वाटर वेस्कुलर सिस्टम. हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज़ अनदर क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. हम नेक्स्ट टर्म पे इसे एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीट वाटर वेस्कुलर सिस्टम को. तो इसमें जो भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसका, जैसे कि कहते हैं ना कि केवल एक जो, जैसे अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं, तो हम कह सकते हैं ना स्यूडोपोडिया अमीबा का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, वैसे ही इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर. हम अगर वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में सिर्फ इकाइनोडर्मिड्स ही आएंगे. ओके, नाउ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अभी जैसे मैंने बताया था वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है. अब जो रेस्पायरेशन की बात आई, तो रेस्पायरेशन जो टेक्स प्लेस होता है बाय ट्यूब फीट, ट्यूब फीट के द्वारा ही इसमें में ही इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और रेस्पायरेशन भी ट्यूब फीट और गिल्स के द्वारा होता है. सीलोम इज इन द फॉर्म हीमल सिस्टम विच इज कंसर्न्ड विद ब्लड सर्कुलेशन. सीलोम इज इन द फॉर्म ऑफ हीमल सिस्टम. हीमल सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हार्ट इसमें एब्सेंट है. तो जो होता है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ए कैनाल सिस्टम, तो कैनाल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं बैड ब्लड को ले जाने के लिए, और मतलब बैड का मतलब इम्प्योर, और गुड ब्लड को लाने के लिए. और ये जो ये कैनाल सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, नियर द बॉडी कैविटी. ओके, तो जो और जो कैनाल सिस्टम होता है वो नियर बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के पास ही होगा, क्योंकि ब्लड ब्लड डायरेक्ट बॉडी के कॉन्टैक्ट में रहेगा, तभी प्योर ब्लड ब्लड जो है वो प्योर हो पाएगा. ठीक, नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल होता है. कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते, नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट. एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें हेड एब्सेंट होता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन दोनों ही एब्सेंट होते हैं. तो ये जो एक्सक्रीशन जो होता है अमीबोसाइट, जैसे अमीबा में कहीं से भी कोई भी वॉल कोई भी सेल वॉल क्रैक होती है और वहाँ से एक्सक्रीशन हो जाता है, तो वैसे अमीबोसाइट्स जैसा इसमें भी एक्सक्रीशन होता है. नर्वस सिस्टम इज विदाउट ब्रेन. नर्वस सिस्टम में ब्रेन एब्सेंट है, हेड एब्सेंट है, और ऑलमोस्ट इसीलिए ब्रेन भी एब्सेंट है. और ब्रेन एब्सेंट है तो इसमें क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ नर्व्स हो जाता है. एक नेटवर्क ऑफ बहुत सारी नर्व्स इकट्ठे होकर एक नेटवर्क क्रिएट कर लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नर्व प्लेक्सस. और यही नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करता है. यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म विदाउट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं कि सिंगल ऑर्गेनिज्म सिंगल सेक्स ऑर्गन्स को प्रेजेंट करेगा, जैसे कि लीज में होता है हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, लेकिन इट इज़ अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म विदाउट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ठीक, नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इट इज़ द बेस्ट थिंग. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो मेल का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब कि स्पर्म और ओवम वाटर में कांटेक्ट करते हैं, वाटर में फ्लो करते हैं, और वाटर में कांटेक्ट करके एक्सटर्नली फर्टिलाइज होते हैं, और वहीं पर लार्वा फॉर्म होता है, एक्सेप्ट इन द बॉडी ऑफ फीमेल. नॉर्मली फीमेल बॉडी में ऐसा होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ये होता है कि जो इसमें बहुत सारी फॉर्म्स आती हैं इनडायरेक्ट, जैसे कि जल्दी से एग बना, एग से जो लार्वा बना, लार्वा से डायरेक्ट एनिमल बन गया, नहीं. इसमें बहुत सारी सीलिएटेड फॉर्म आएगी, बायलेटरल लार्वल स्टेज आएंगी, बहुत सारी फॉर्म्स आती रहती हैं. और इनके कुछ लार्वा के मैंने नाम मेंशन किए हैं, जैसे कि बिपिनेरिया लार्वा जो है वो स्टारफिश का है, ऑरिकुलेरिया लार्वा जो है वो सी कोकुम्बर का है, और ब्रैंक्योलेरिया लार्वा जो है एस्ट्रोडिया का है, प्लीटस जो है होलोथेराइड का है, और डॉल्यूलेरिया जो है होलोथेरेडिया का है. और ये मतलब इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो जो सी कोकम्बर का लार्वा जो है वो सिंगल लॉन्गिट्यूडनल सीलेटेड होता है, इसमें सिंगल सीलिया प्रेजेंट होता है. ओके, एस्ट्रॉइड जैसे जो है एस्ट्रॉइडिया जो है थ्री एडिशनल आर्म्स होती हैं, इसमें तीन आर्म्स ज़्यादा होती हैं. होलोथेरेडिया जो है सिंगल सीलिएटेड है ये भी. तो इसी टाइप के सम डिफरेंसेस हैं इन लार्वा के बीच में, इसीलिए इनको अलग अलग नेम दिया गया और अलग अलग एनिमल्स के ये लार्वा हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो सम वर्ड दीज आर द करेक्टर्स, जनरल सिंपल जनरल करेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा. एंड गिव मी द नेक्स्ट टॉपिक, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू फॉर दैट. थैंक यू.